फैशन स्ट्रीट में लगी आग, 12 से ज्यादा दुकानें जलकर खाक, किसी के हताहत होने की खबर नहीं, वीडियो देखे। साउथ मुंबई के शॉपिंग एवेन्यू फैशन स्ट्रीट में शनिवार दोपहर आग लग गई। दोपहर करीब 1:02 बजे आग लगने की सूचना मिली। अधिकारियों ने कहा कि किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। मुंबई फायर ब्रिगेड के अधिकारियों के मुताबिक फैशन स्ट्रीट की दुकानों में लगी आग लेवल 1 की थी। MFV ने मौके पर दमकल की गाड़ियां भेजी। बताया जा रहा है कि 1 दर्जन से अधिक दुकानें आग की चपेट में आ गई है। MFV, बेस्ट पुलिस और अन्य संबंधित कर्मी मौके पर मौजूद है। विजुअल्स में दुकानदारों को अपना सामान पैक करते और मौके से भागते हुए दिखाया गया है। मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने कहा कि स्थिति सामान्य होने तक सड़क को यातायात के लिए अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। दक्षिण मुंबई में सड़क किनारे परिधान बाजार फैशन स्ट्रीट पर स्थित कम से कम 10 दुकानें शनिवार दोपहर आग में जल गई, लेकिन इस घटना में कोई भी घायल नहीं हुआ। एक नागरिक अधिकारी ने पहले कहा था, उन्होंने बताया कि चर्च गेट के पास फैशन स्ट्रीट की एक दुकान में दोपहर करीब 1 बजे आग लग गई और कुछ ही देर में आसपास की कुछ दुकानों में आग लग गई। अधिकारी ने कहा कि घटना की सूचना मिलने के बाद दमकल की 6 गाड़ियां मौके पर पहुंची। उन्होंने बताया कि करीब 15 मिनट में आग पर काबू पा लिया गया। आसमान में ऊपर उठ रहा काला धुआं दूर से ही दिखाई दे रहा था। आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। फैशन स्ट्रीट वस्त्र खरीदने के लिए एक लोकप्रिय बाजार है और शहर के प्रमुख पर्यटन स्थलों के बहुत करीब है।